केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कल बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले दो वर्ष में कोई भर्ती नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ ही देश की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले दो साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी।